गाइस दिस इज रियन फ्रॉम dkmapper.com। और फ्रेंड्स, लास्ट के लेशन में हम लोगों ने सीखा था कि 3D ऑप्शन को कैसे इनेबल करना है। जैसे कि हमारे फोटोशॉप में 3D ऑप्शन जो है वो इनेबल नहीं था, यानी कि फोटोशॉप CS6 में 3D ऑप्शन कैसे इनेबल करना है, ये लास्ट एपिसोड में सीखा था। और आज सीखेंगे कि 3D इफेक्ट यानी टेक्स्ट में 3D इफेक्ट कैसे देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइल पे आते हैं और एक न्यू पेज क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम इसका कोई भी नाम दे देते हैं और ओके और इसका जो साइज़ है 1280 और 720 लगभग लिया हुआ है हमने। देन ओके करते हैं। इतना रेडी करने के बाद में हम क्या करेंगे, टेक्स्ट टूल पे आएंगे और इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करते हैं, जैसे कि जो हम यहाँ पे टाइप करने आ रहे हैं DK। ओके, इसको हम क्या करेंगे, कैपिटल में टाइप करेंगे। ओके, और कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, इसको बड़ा करेंगे साइज को, लगभग इतना कर देते हैं। ओके, आप हमने जो फॉन्ट लिया है यहाँ पे वो हमारा फॉन्ट टैब देख सकते हैं, विक्टोरियन LET है। आप फॉन्ट की बहुत सारी वेबसाइट्स से वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पर सर्च मारेंगे तो आपको ये मिल जाएगा फॉन्ट, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इम्पैक्ट फॉन्ट का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप क्या करते हैं, टेक्सचर लेयर के साथ में हम बैकग्राउंड को सेलेक्ट करते हैं और सबसे पहले इसको अलाइन कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टली भी सेंटर, दोनों वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इसको सेंटर कर लेते हैं। और सेंटर करने के बाद में आप क्या करते हैं, राइट क्लिक करेंगे या फिर लेयर पर राइट क्लिक करें या फिर 3D ऑप्शन पे आके आप यहाँ से कर सकते हैं, या एक्सट्रूजन फ्रॉम सिलेक्टेड लेयर यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ से कर सकते हैं। 3D ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे सो आप इसका एक्सट्रूजन, इसकी डेप्थ जो है आप कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग से। ओके, और यहाँ पे सेव प्रीसेट दिए हुए हैं, सेव प्रीसेट में आप कोई अच्छा सा सेव प्रीसेट चूज कर सकते हैं। सिंपल लेना चाहते हैं सिंपल ले सकते हैं, जो आपको आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से आपके टेक्स्ट के हिसाब से बेहतर लगे वो आप यूज़ कीजिए। तो हम सिंपल सा हम यहाँ पे कोई एक यूज़ करें, जैसे कि मैंने ये लिया हुआ है। ठीक है, ये आपका इन्फ्लेट जो मैं ले रहा हूँ, ये इन्फ्लेट है आपका। सो इतना करने के बाद में अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे और DK फ्रंट जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे। और इससे पहले हम एक काम करते हैं, हम लेयर्स पे आएंगे, लेयर्स पे आने के बाद में बैकग्राउंड पे जाएंगे और इसको पोस्ट कार्ड कर देते हैं। ओके, फिर लेयर पे आएंगे और आपको ये DK लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए टेक्स्ट वाली। और यहाँ पे आने के बाद में आपको क्या करना है, 3D ऑप्शन पे आना है, ये जो आपका दिया हुआ है लेयर्स के जस्ट बगल में। और यहाँ पे आपका ये DK फ्रंट इन्फ्लेशन मटेरियल है, यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देखेंगे आपके कुछ 3D जो मटेरियल्स के थ्रू आपको मिलेगा, कुछ चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, जिससे यहाँ पे काफ़ी चीज़ें नहीं है, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और डिफ़ॉल्ट फॉर रेड ट्रेसर करेंगे और इसको अपेंड कर देंगे। सो आप यहाँ पे देखेंगे कुछ और चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो अब हम इनका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ के लिए ये यूज़ कर रहे हैं, ये एक साइड से यूज़ करते हैं, ये ले लिया हमने। ओके, और इसके बाद में थ्रूड जो है यानी एक्सट्रूजन मटेरियल, इसका आप बेवल का भी सेक्शन बना सकते हैं, कोई अच्छा से ले सकते हैं, और ये लास्ट वाले का भी आप ले सकते हैं। तो इसको हम इसमें जस्ट इसके बाद वाला कर देंगे। ओके, और फिर थर्ड वाले में जाएंगे, फिर ये लास्ट वाला कर देंगे। हम एक साइड से ले रहे हैं बिल्कुल, यहाँ पे आपको मुझे दिखाना है कि कैसे कि हम 3D इफेक्ट रेडी कर सकते हैं। बाकी आपको सारे ये टूल्स आपको सेव भी यूज़ करने हैं और आपको जितने भी सेव्स हैं इसके फॉर्मेट्स हैं सारे यूज़ करने हैं आगे चल के। तो अब इतना रेडी हुआ, लेयर्स पे आएंगे और लेयर्स पे आने के बाद में दोनों लेयर्स को हम सेलेक्ट करते हैं, बैकग्राउंड और टेक्स्ट लेयर को सेलेक्ट करेंगे। और अब 3D पे आएंगे और यहाँ पे मर्ज 3D लेयर्स दिया हुआ है। अब इतना रेडी कर दिया हमने, हमारी ये मर्ज हो गई दोनों लेयर। आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके आप रेंडर कर सकते हैं, या आप 3D ऑप्शन पे जाइए, 3D ऑप्शन पे आने के बाद में आप यहाँ पर रेंडर का ऑप्शन है तो इसको आप रेंडर करेंगे। तो रेंडरिंग स्टार्ट होती है तो टाइमिंग यहाँ पे देखिए दिखाता रहेगा कितना टाइम लेगा, और रेंडर होने में ये काफ़ी टाइम ले लेगा, जिससे कि आपका वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो हम इसको वीडियो को यहाँ पे पॉज करना चाहेंगे, हो चुकी है, काफ़ी टाइम ले लिया इसको रेंडर होने में। अब इसके बाद क्या करना है, बैकग्राउंड वाली लेयर पर जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे, इसको रेस्टराइज 3D कर देंगे। सो रेस्टराइज 3D करेंगे और इसके बाद में हमें क्या करना है, आप यहाँ पे आइए
और यहाँ पे हम आएंगे कलर बैलेंसिंग करेंगे इसकी, और इसको तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट करेंगे जिस हिसाब से आपको चाहिए हो। तो इसको ऐसा सिंपल सा ये कर लिया है, रेडी कर लिया है, और हम दोनों को मर्ज कर देंगे। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और थोड़ा सा इसको जूम इन, थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे। और अगर हम कोई टेक्स्ट देना चाहते हैं सिंपल सा, तो यहाँ पे आएंगे, टी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से टेक्स्ट भी ले लेंगे। ये आप फॉन्ट यूज कर सकते हैं, देखिए आप ये फॉन्ट सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और इसको हम सिंपल सा यहाँ पे आएंगे, और अब इतना करने के बाद में हम स्पेसिंग थोड़ा सा बढ़ाएंगे। जो कैरेक्टर के बीच की स्पेसिंग है वो हम बढ़ाएंगे। ओके फिर से सेलेक्ट करेंगे और थोड़ी सी और, आप चाहे तो इसको भी ग्रीन कर सकते हैं, इसका कलर जो ब्लैक सब को ग्रीन कर देंगे तो और भी अच्छा लगने लगेगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपना 3D इफेक्ट रेडी कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा कर सकते हैं आप इसको। जैसे कि इसमें आउटलाइन दिखाना होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर नेक्स्ट टाइम मैं 3D पे और ट्यूटोरियल्स अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा उस तरीके के ट्यूटोरियल्स लाने के लिए आपके लिए। तो बस ये बेसिक था आपके लिए, और मुझे आशा है कि आप इसे बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स आप खुद रेडी करेंगे, स्वयं रेडी करेंगे, अच्छे से अच्छे 3D इफेक्ट्स टेक्स्ट में देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर एक कमेंट का जवाब देने के लिए और उसका सोल्यूशन देने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर।